नमस्कार, मैं गरिमा आप सभी का जीएस डेली रेसिपीज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मक्के के आटे की कचौरी की रेसिपी। इन कचौरियों को आप अपने मनपसंद किसी भी सब्जी, चटनी या गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कर सकती हैं। ये सारे कॉम्बिनेशन एक साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अपनी आज की इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मक्के की कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 उबले आलू। आलुओं को उबालकर इनका छिलका उतार लिया है। इसके बाद इन आलुओं को हम मैश कर लेंगे। इन्हें बिल्कुल फाइन मैश करना है, इसलिए मैं इन्हें पहले ग्रेटर से ग्रेट कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें हाथ से मसल कर या फिर किसी फोर्क की सहायता से भी अच्छी तरह से मैश कर सकती हैं। आलू को मैश कर लिया है, अब हम इसमें मिलाएंगे लगभग आधा चम्मच अजवाइन, चौथाई चम्मच हींग, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच साबुत जीरा, 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज का प्याज, इसे बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, इसे मिलाया है, और फिर बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और लगभग 1 कटोरी मैंने यहाँ मक्के का आटा मिलाया है, स्वादानुसार नमक डाला है। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिर्च की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार बढ़ा या घटा भी सकती हैं, और आप चाहें तो लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा या चटपटा पसंद है तो आप थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकती हैं। सभी चीज़ों को मिलाने के बाद अब हम इसे हाथ से अच्छी तरह से मिलाते हुए इसका एक आटा लगा लेंगे। आटा लगाने के लिए हमें इसमें ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसे ऐसे ही जब आप हाथ से गूंदना शुरू करेंगी तो कुछ ही देर में आप देखेंगी कि ये सारे आपस में इस तरह से बंधने लगे हैं, और थोड़ी ही देर में आप देखेंगी कि मिलाते मिलाते अब ये एक आटे की तरह बन चुका है। तो हमारा कचौरी का डो बनना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए, इसमें आपको थोड़ा भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सारी चीज़ें अपने आप ही आपस में बंध कर बिल्कुल आटे के डो की तरह बन जाती हैं। तो अब हमारा कचौरी का आटा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। ये देखिए, हमारे कचौरी का आटा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसकी कचौरियां बना लेते हैं। कचौरियां आप छोटी या बड़ी, आपको जैसी पसंद है उस आकार में बना सकती हैं। आपको बस इस तरह से थोड़ा सा आटा लेना है और उसे अपने दोनों हथेलियों से हाथ से दबाते हुए इस तरह से इसे चिपटा करते हुए कचौरी का आकार देना है। ये देखिए, तो यहाँ हमारी एक कचौरी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये कुछ इस तरह से बनी हुई है। तो चलिए इस तैयार कचौरी को हम प्लेट में रख लेते हैं और अब हम दूसरी कचौरी बना लेते हैं। इसी तरह से एक एक करके हमें सारी कचौरियाँ बना लेनी हैं। हाथ से दबाते हुए इन कचौरियों को हम गोल आकार देंगे और बस बहुत ही जल्दी ये कचौरियाँ इस तरह से बनकर तैयार हो जाती हैं। आप इन कचौरियों को छोटा या बड़ा, जैसा आपको पसंद हो उस तरह से बना सकती हैं। कचौरी के आटे में आप अपनी मनपसंद कोई भी सब्जी ऐड कर सकती हैं। सर्दी के मौसम में मिलने वाली कई तरह की सब्जियों को भी आप इस कचौरी में ऐड कर सकती हैं और अपने कचौरी के स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। कचौरी को अगर आप और तीखा या चटपटा बनाना चाहती हैं तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकती हैं। इन कचौरी में आप अपने पसंद के अनुसार स्वाद को जैसा चाहें वैसा कर सकती हैं। तो चलिए, कचौरियाँ बनकर तैयार हैं, अब हम इन्हें तल लेते हैं। तलने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया है और अब हम इसमें एक एक करके कचौरियों को डालेंगे। कचौरी तलते समय गैस की आंच को आप बहुत तेज़ ना करें। एक बार तेल अच्छी तरह से गरम होने के बाद गैस की आंच को आप धीमा कर लें और फिर इसमें कचौरियों को डालें। अब इन्हें दोनों तरफ से पलटते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर ही तलें।
तो ये देखिए कचौरियों का कलर बिल्कुल सुनहरा हो चुका है और कचौरियाँ तलकर तैयार हैं। चलिए इन कचौरियों को बाहर निकाल लेते हैं और अब फिर से बची हुई कचौरियों को इनमें डालते हैं और इन्हें भी गोल्डन तल लेते हैं। तो इसी तरह से बस हमें अपनी कचौरियों को तल लेना है। एक साथ आप बहुत ढेर सारी कचौरियाँ तेल में ना डालें, एक बार में दो या तीन कचौरी ही तलें। इससे आपकी कचौरियाँ हर तरफ से बराबर सिकती हैं और उन्हें बराबर आंच लगता है। तो चलिए अब ये कचौरियाँ भी अच्छी तरह से सिककर तैयार हो चुकी हैं और इनमें भी अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। तो चलिए इन्हें तेल से बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी की भी कचौरियों को तल लेंगे। तो ये लीजिए तैयार है हमारी गर्मा गर्म मक्के के आटे से बनी हुई कचौरी, जिन्हें मैंने सर्व किया है हरे धनिया की चटनी के साथ। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अब अपने अगले किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।